गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में आज हम लोग सेंट्रल एशिया देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल एशिया। बेसिकली सेंट्रल एशिया में पांच देश होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया देखने से पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उन तक आप शेयर करें। और आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ के साथ साथ ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से फिज़िकल ज्योग्राफी चल रही है। उस फिज़िकल ज्योग्राफी में भी हम लोग स्टार्ट किए हैं ओसनोग्राफी। ओसनोग्राफी चल रही है, समुद्र विज्ञान चल रही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में सेंट्रल एशिया, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं सेंट्रल एशिया के बारे में, ठीक है। बता चुके थे कि सेंट्रल एशिया में पांच देश होते हैं। कितने होते हैं? पांच देश होते हैं। इसमें बता चुके थे आप लोगों को कि जो सेंट्रल एशिया है वो अभी जो सेंट्रल एशिया है जिसमें पांच देश हैं वो USSR सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे, ठीक है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे देखें, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में पांच देश होते हैं। कौन कौन होते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। पांच देश हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग मैप एटलस निकाल लें और उसके बाद देखें, ठीक है। इसमें मैप हूबहू नहीं बन पाया है, बट हम कोशिश किए हैं आप लोग को समझाने की इसमें, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे, एटलस में, है ना, आप लोग को जो बता रहे हो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रल एशिया का मैप है। सेंट्रल एशिया जो है बेसिकली इतने में आता है, ये सेंट्रल एशिया, ठीक है। जैसे बता रहे हैं पाँच देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। ये आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पे ताजिकिस्तान। यहाँ देखिए, अब हम बताएं कि सेंट्रल एशिया में पांच देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। हम लोग देख लिए पांच देश यहाँ पे मैप में। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये बाउंड्री शेयर कहाँ कहाँ करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो जस्ट इसके ऊपर में आपको मिलेगा रसिया, रसिया, इधर भी क्या है? रसिया, रूस है, ठीक है, इधर रूस मिलेगा आपको। आपको ये जो है दिख रहा है आपको, ये पूरा है, ये आपका है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। आपको पहले बता चुके हैं कैस्पियन सागर नहीं है, क्या है? झील है। क्या है? एक झील है, ये सागर नहीं है। इसका नाम है कैस्पियन सागर बट ये क्या है? झील है। फिर इधर देखते हैं, ये आपका भी रसिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आइए तो आपका ये चीन हो गया। आप यहाँ देखेंगे तो ये मंगोलिया हो गया आपका, मंगोलिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बाउंड्री शेयर किधर कर रहा है। इधर रसिया का है ऊपर में, कैस्पियन सागर इधर है, इधर मंगोलिया है और यहाँ पे चीन है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये तो पांच हो गए, पांच हो गए। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब इनके रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया कहाँ है? इंडिया आपका यहाँ पर, ये आपका इंडिया, इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान हुआ, ये आपका अफगानिस्तान हुआ। आप ध्यान देंगे
सेंट्रल एशिया में पांच देश कहलाते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान को मिला नहीं देंगे, ठीक है? ये नहीं होता है, ये नहीं है। बस आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बताने के लिए आप बता चुके हैं, बता दिए हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पे हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल सर पे, जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान मिलेगा, ताज के जैसा मिलेगा यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान, ठीक है? अब देखते हैं कि एक एक डिटेल पढ़, एक एक बारे में सबका देश के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे हम देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कजाकिस्तान, ठीक है? तो ये जो कजाकिस्तान है, ये जो देश कजाकिस्तान आपको दिख रहा है, ये कजाकिस्तान विश्व का, कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, देखिए यहाँ पे विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है? मतलब स्थलबद्ध है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है? कैसे है? आप देखिए ऊपर से बिल्कुल रसिया है, ठीक है? ये कैस्पियन सी है, ठीक है? झील है, कोई सागर नहीं है, समुद्र नहीं है, ठीक है? अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा ईरान, आपको यहाँ मिलेगा ये ईरान है, ठीक है? अफगानिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान है, इंडिया है, आपका ये चाइना है, मंगोलिया है। तो चारों तरफ से क्या है, एक स्थलबद्ध देश है ना? तो कजाकिस्तान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, स्थलबद्ध कंट्री कौन सा है? तो आपका कजाकिस्तान है। आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे, कमेंट में, कि सब विश्व का सबसे दूसरी लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे कि कौन सी है, ठीक है? देखिए इसका आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में यहाँ पे एक मरुस्थल है, यहाँ पे एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है? स्टेपी। इस मरुस्थल का क्या नाम है यहाँ पे? स्टेपी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल, ठीक है? मरुस्थल का नाम क्या है? स्टेपी, ठीक है? इस मरुस्थल पे, स्टेपी मरुस्थल जो कजाकिस्तान में है, यहाँ पे क्या है बनाया गया? यहाँ पे बैकनूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण, बैकनूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है? तो ये जो मरुस्थल है कजाकिस्तान में, कौन सा मरुस्थल है? स्टेपी। उस मरुस्थल में बनाया गया है बैकनूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है, ठीक है? भारत का सबसे पहला उपग्रह, भारत का सबसे पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को इसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट, ठीक है? जो यहाँ पे कजाकिस्तान मरुस्थल, स्टेपी मरुस्थल है, इस मरुस्थल पे यहाँ पे कौन सा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है? बेकानूर। बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे है, यहीं से पहला, भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट यहीं से छोड़ा गया था। किसका था? भारत का था। और कहाँ छोड़ा गया था? कजाकिस्तान से छोड़ा गया था, ठीक है? अब देखिए 1975 में छोड़ा गया था। उस टाइम बता दें, उस टाइम ये जो कजाकिस्तान था किसके अंडर था? वो था यूएसएसआर, जिसे बोलते हैं हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है? तो सोवियत संघ, रूस, जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, तो सोवियत संघ के अंदर था ये, ठीक है? तो सोवियत संघ ने छोड़ा था कहाँ से? बेकानूर से, ठीक है? ये किसका था? भारत का था, इसने छोड़ा था यहाँ से, ठीक है? तो 1991 के बाद, 1991 में क्या होता है कि यूएसएसआर 15 भागों में टूट जाता है, ठीक है? इसे हम लोग बता चुके हैं आपको,
ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में जाके जरूर देखें कि 15 देशों में कौन कौन सा देश में टूटा था। ठीक है, तो फिलहाल भी हम लोग बात करते हैं कजाकिस्तान की। ठीक है, तो कजाकिस्तान में हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो मरुस्थल है, स्टेपी मरुस्थल, यहाँ पे बैकनोर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला सेटेलाइट उपग्रह यहाँ से छोड़ा गया था आर्यभट्ट को, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका कजाकिस्तान हो गया। आगे बढ़ते हैं, कजाकिस्तान के बाद आते हैं किर्गिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा किर्गिस्तान, यहाँ पे देखिए आप लोग मिलेगा किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये जो किर्गिस्तान आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो किर्गिस्तान आपको दिख रहा है यहाँ पे गैस या पेट्रोलियम यहाँ पाए नहीं जाते हैं, पेट्रोलियम यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पाया जाता है वो कोयला, कोयला या यूरेनियम, यूरेनियम ये सारे खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, कोयला, यूरेनियम, गोल्ड। ठीक है ना, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और किर्गिस्तान जो है ये हमेशा देखिए ये चीन के बॉर्डर से यहाँ पे शेयर कर रहा है, तो चीन के साथ हमेशा इसका विवाद में रहता है। किर्गिस्तान जो है ये चीन के साथ हमेशा विवाद में रहता है, कौन, किर्गिस्तान। ठीक है, ये किर्गिस्तान हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ताजिकिस्तान, कौन सा है, ताजिकिस्तान। ये जो ताजिकिस्तान है ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, कोई खास नहीं है। ठीक है, इसके जो राजधानी है आप मैप में, एटलस में देखें और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उज्बेकिस्तान इम्पोर्टेड क्यों होता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान को देखने से पहले आप लोग ध्यान देंगे, ये जो दिख रहा है आपको ये है आपका अरल सागर, कौन सा है, अरल सागर। ठीक है, तो ये कोई सागर नहीं है, ये क्या है, झील है जो अब बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, और धीरे धीरे सूख जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है कि यह यहाँ से पहले ना जब यूएसएसआर जो था, जो सोवियत संघ था उस टाइम, तो यहाँ से सारे पानी को, यहाँ से यहाँ का जो पानी था वो सारे इधर ले गया था रशिया साइड में, जिस कारण से यहाँ से नहर बना के ले गया था, तो इस कारण से यहाँ का पानी धीरे धीरे यहाँ पर सूख गया है, और अभी अरल सागर बिल्कुल सूखने के कगार पे पहुँच गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, अब ध्यान देंगे कि जब 1965 का भारत पाकिस्तान जब युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है 1965 में, ठीक है, इस युद्ध के समझौता के लिए, इस युद्ध के समझौता के लिए रूस के द्वारा जो यूएसएसआर था उस टाइम, ठीक है, उस टाइम कौन था, सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर। ठीक है, उस टाइम जो यूएसएसआर था ये समझौता के लिए कहाँ बुलाता है, जो सोवियत संघ का अपना जो एरिया है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद। ठीक है, कहाँ पे, ताशकंद। तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान के 1965 के जो जो युद्ध होता है उसके समझौता के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है ताशकंद में। ठीक है, और पाकिस्तान के तरफ से जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं अयूब खान, कौन होते हैं, अयूब खान। ठीक है, अयूब खान। और भारत के तरफ से, इंडिया के तरफ से होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे होता है लाल बहादुर शास्त्री। देखिए यहाँ पे 1965 का युद्ध जो होता है भारत पाकिस्तान, इस युद्ध की समझौता के लिए सोवियत संघ के द्वारा रूस यहाँ पे बुलाता है ताशकंद। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ताशकंद में बुलाया जाता है, जिसमें से जो भारत के जो उस टाइम प्रेजेंट प्रधानमंत्री जो होते हैं, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के होते हैं अयूब खान। ठीक है, दोनों के बीच में समझौता होता है। समझौता होने के बाद यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का मिस्ट्री डेथ हो जाती है इनकी। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है।
ठीक है, रहस्यमयी होती है, रहस्यमयी, ठीक है, आज तक पता नहीं चला कि मौत कैसे होती है। ठीक है। तो यहाँ पे समझौता होने के बाद यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है, यहाँ से एक गैस पाइपलाइन चला जाता है, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चला जाता है। ठीक है, कौन सा होता है? तो इसका नाम होता है तापी, TAPI, तापी गैस पाइपलाइन, पाइपलाइन। ठीक है, तो इसका होता है तापी गैस पाइपलाइन। ठीक है, अब तापी कैसा है यहाँ पे देखिए अब। ठीक है, ईरान था। ठीक है, इधर यहाँ देखिए, तापी मतलब होता है T4, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, A4 अफगानिस्तान, ठीक है, P4 पाकिस्तान और I4 इंडिया। ठीक है, अब यह देखिए T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, P4 पाकिस्तान और I4 इंडिया। तो तुर्कमेनिस्तान से यहाँ से एक गैस पाइपलाइन चल जाती है, ठीक है, जो कहाँ आती है? इंडिया। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन बिजती है, यहाँ आती है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट को कहा गया है तापी, तापी गैस लाइन, गैस पाइपलाइन। ठीक है, गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पे आया था गैस पाइपलाइन। कौन सी? तापी गैस पाइपलाइन। आज की क्लास में बस इतनी करते हैं। ठीक है, आज कंप्लीट हो गया आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया। ठीक है, जिसमें इसमें देखेंगे हम लोग 17 देश, मिडिल ईस्ट एशिया। ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया। ठीक है, इसे वेस्ट एशिया भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 17 देश। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अरब प्रायद्वीपीय देश, द्वीपीय देश, अरब प्रायद्वीपीय देश में हम लोग देखेंगे 7 देश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे मिडिल ईस्ट एशिया के 17 देश और अरब प्रायद्वीप देश के 7 देश। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।